वेलकम टू दिस लेसन। कल के लेसन में हमने बात की थी अबाउट फेसबुक ऑडियंसेस। हमने देखा था कि थ्री टाइप्स की ऑडियंस होती हैं, सीड ऑडियंस, कस्टम और लुक अलाइक, राइट। आज हम जो लेसन है इसमें हम देखेंगे कि दो टाइप की ऑडियंसेस को हम डिटेल में देखेंगे। वो दो टाइप की ऑडियंसेस कौन सी हैं? ऑडियंसेस बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स एंड ऑडियंसेस बेस्ड ऑन बिहेवियर, राइट। तो ऑडियंसेस बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक एंड ऑडियंसेस बेस्ड ऑन बिहेवियर, ये दोनों हम देखेंगे आज के लेसन में। और आप देखोगे कि ये दोनों ऑडियंसेस में फेसबुक आपको कितने सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है अच्छी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, राइट। तो अगर आप इन दोनों को सही से स्टडी करोगे देन आप ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी ऑडियंसेस देखेंगे। आज देखेंगे डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर, और कल के लेसन में हम देखेंगे कंप्लीट इंटरेस्ट बेस्ड, और जिसमें हम सीखेंगे कि पूरा ऑडियंस रिसर्च कैसे करना है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो पहली ऑडियंस कैटेगरी है फेसबुक के पास वो है डेमोग्राफिक्स, ठीक है। तो जैसे ही आप डेमोग्राफिक्स को क्लिक करोगे आप देखोगे कि फेसबुक आपको और अंदर बड़े सारे ऑप्शन दे रहा है, राइट। तो मैंने किया क्या, मैं सीधे अपने एड्स के डैशबोर्ड में गया और मैंने नई एड क्रिएट की, और देन मैं ऑडियंस पे आया, देन मैं गया ब्राउज पे, देन मैं गया डेमोग्राफिक्स, और जैसे ही मैंने डेमोग्राफिक्स क्लिक किया फेसबुक मुझे और बड़े सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। और जो पहला ऑप्शन दे रहा है फेसबुक मुझे, वो दे रहा है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन। तो जैसे ही मैंने एजुकेशन को क्लिक किया आप देख सकते हो मेरे पास अगेन चार ऑप्शन आ गए। पहला एजुकेशन लेवल, देन फील्ड ऑफ स्टडी, देन स्कूल या यूनिवर्सिटीज, देन अंडर ग्रेजुएट ईयर्स, राइट। एजुकेशन लेवल इज आप जो टारगेट कर रहे हो जो ऑडियंस, वो उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, मतलब क्या वो हाई स्कूल में है अभी, या क्या वो यूनिवर्सिटी में है, या क्या वो यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या उनके पास डॉक्टरेट डिग्री है, क्या उनके पास फाउंडेशन डिग्री है, क्या वो हाई स्कूल छोड़ चुके हैं, क्या उनके पास मास्टर्स डिग्री है, क्या प्रोफेशनल डिग्री है, क्या वो हाई स्कूल में है, या क्या वो किसी यूनिवर्सिटी में है, राइट। क्या वो यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, तो आप ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सपोज करो जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का है, और वो बेसिकली प्रोडक्ट यूज कौन कर सकता है, जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड किस्म का बंदा हो, राइट। देन आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप सिंपल एक काम कर सकते हो, आप ब्राउज में जाओ, आप डेमोग्राफिक्स में जाओ, आप एजुकेशन में जाओ, आप एजुकेशन लेवल पे जाओ, और आप डॉक्टरेट डिग्री ले लो, है ना। डॉक्टरेट डिग्री मतलब ऐसे लोग जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री है, और आप देख सकते हो पोटेंशियल रीच कितनी है आपके पास, बस 22,000, दैट्स इट। क्योंकि अगेन हमने टारगेट किसे किया है, ऐसे लोग जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इस ऑडियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल आपको टारगेटिंग करने की ज्यादातर जरूरत पड़ेगी नहीं, बट इनकेस पड़ती है तो आप यहां से वो चूज कर सकते हो। सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है जिसमें आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो स्कूल ड्रॉप आउट है, तो आप किन्हें टारगेट कर सकते हो, हाई स्कूल लीवर, राइट। आपने वो देखे होंगे ना, बड़े सारे बोर्ड लगे होते हैं, 10वीं फेल 11वीं 12वीं करें, ऐसे टाइप के जो बोर्ड होते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपल हाई स्कूल लीवर्स को टारगेट कर सकते हो, राइट। तो यहां से आप ढूंढ सकते हो, अगर ये आपके लिए सेंस बनाती हैं तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। तो ये था एजुकेशन लेवल। अब उसके बाद आप देखो क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी, राइट। एजुकेशन लेवल के बाद क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब सपोज करो आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिन्होंने कोई स्पेसिफिक पढ़ाई की है। सेम ऐसे लोगों के टारगेट करना चाहता हूं जिन्होंने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाई की है, राइट। तो मैं सिंपल गया और मैंने क्या सर्च मारा, अकाउंटिंग। आप देखोगे अकाउंटिंग आ नहीं रहा, बट देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं, फील्ड ऑफ स्टडी अकाउंट क्लर्क या स्टाफ अकाउंटेंट या सेल्स अकाउंट मैनेजर, तो मैं इन्हें टारगेट कर सकता हूं, राइट। या सपोज करो मैं सर्च मारता हूं फाइनेंस, देखो आ रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस, तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूं जिन्होंने क्या पढ़ाई की है, इंटरनेशनल फाइनेंस। इसे क्लोज करते हैं, वापस ब्राउज पे जाते हैं, वापस डेमोग्राफिक्स पे जाते हैं, एजुकेशन और फील्ड ऑफ स्टडी, राइट। सपोज आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते जिन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की है, कॉमर्स से रिलेटेड उन्होंने एजुकेशन ली है, देखो ये रहा कॉमर्स एग्जैक्टली नहीं बट कॉमर्शियल लॉ है,
है ना। सो ये थोड़ी अलग चीज हो गई। सो कहने का मतलब है, आप अगर फील्ड ऑफ स्टडी वाइज टारगेट करना चाहते हो, देन आप यहां आके उन्हें टारगेट करना चाहते हो, आप उन्हें टारगेट कर सकते हो, राइट। सपोज मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिन्होंने प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है या उससे रिलेटेड उनका फील्ड ऑफ स्टडी था, तो यहां से मैं उन्हें भी टारगेट कर सकता हूँ, राइट। तो जो भी आप फील्ड ऑफ स्टडी टारगेट करना चाहते हो उसे आप ढूंढ के यहां टारगेट कर सकते हो, राइट। अगेन आप देखो कि क्या आपके लिए रेलेवेंट है ये। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि जो भी मास प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो मास स्केल पे बेचे जाते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा उतना मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट अगर कोई बहुत ही ज्यादा नीच प्रोडक्ट है आपका, उस केस में आप यहाँ पे कर सकते हो। अगला एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, विच इज स्कूल या यूनिवर्सिटीज। सपोज आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिन्होंने किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सपोज मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूं, आईआईटी कानपुर, देखो आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, तो कानपुर लिखते हैं, आईआईटी, देखो आईआईटी दिल्ली आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है, मद्रास, गुवाहाटी, गांधीनगर, राइट। यही वाले ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, बाकी नहीं है तो अगेन हम कुछ कर नहीं सकते। तो सपोज आप टारगेट करना चाहते हो ऐसे लोगों को जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है, तो ये आईआईटी बॉम्बे यहाँ पे डाल दो। अब आप कैसे लोगों को ऐड दिखा सकते हो जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है, ठीक है जी। अब वापस ब्राउज पे जाते हैं, वापस डेमोग्राफिक्स, वापस एजुकेशन, स्कूल या यूनिवर्सिटी, राइट। आप सपोज डीपीएस, जिन्होंने डीपीएस से पढ़ाई की है, तो देखो ऑप्शन आ रहा है डीपीएस मेरठ, डीपीएस इंटरनेशनल गुड़गांव, राइट, डीपीएस आगरा, तो आप इनको भी ऐड दिखा सकते हो। आप यहां से सेलेक्ट करो और इन्हें ऐड दिखा दो, राइट। तो सपोज करो अब आपके पास इसका देखो यूज कैसे कर सकते हो, आप ना ऑफर्स निकाल सकते हो बेस्ड ऑन स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज। इनसे लोगों को क्या लगेगा, थोड़ा पर्सनलाइजेशन लगेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑफर निकाला कि जस्ट फॉर पीपल हु आर ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ से 30%, राइट, एंड यूज कोड IITB30, है ना। तो ऐसे कुछ आप ऑफर सोच सकते हो जो आप स्पेसिफिक इन लोगों को दिखाओ जिन्होंने किसी स्पेसिफिक स्कूल से या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आप ये काम कर सकते हो। अगेन ये देखना जरूरी है कि क्या आपके लिए ये रेलेवेंट है टारगेटिंग या नहीं है। अगर ये टारगेटिंग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सेंस बनाती है तो आपको यूज करना। अगला है अंडर ग्रेजुएट ईयर्स। अब बेसिकली ये क्या होता है अंडर ग्रेजुएट ईयर्स, कि कब से कब तक उसने अंडर ग्रेजुएशन की, मतलब ग्रेजुएशन की उसने, मतलब सपोज आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिन्होंने 2012 से लेके 2015 के बीच में ग्रेजुएशन की, तो सिंपल आप यहां जा सकते हो और कर सकते हो 2012 से लेके, और यहां पे ले लो 2015, राइट, सिंपल। अब ऐसे लोग आ जाएंगे जिन्होंने इस दौरान ग्रेजुएशन की, राइट। अगेन देखना जरूरी है कि क्या आपके लिए सेंस बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है जी। तो अभी हमने डेमोग्राफिक्स में पहला ऑप्शन देखा विच इज एजुकेशन, और एजुकेशन में अगेन बड़े सारे ऑप्शन थे, हमने वो सारे देखे। देन हम चलते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में क्या आता है, इनकम। अब ये जो है ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट। ये कहां के लिए एप्लीकेबल है, ये है यूएस के लिए, इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जिसमें आ रहा है ना हाउस होल्ड इनकम टॉप 10% ऑफ द जिप कोड्स, राइट, मतलब जो अगेन मैंने आप इंडिया लिया है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा, तो जो पांच टॉप 10% ऑफ द जिप कोड्स है ना यूएस में, जो बेस्ट है हाईएस्ट इनकम वाले, आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। अगेन इंडिया के लिए ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगला ऑप्शन क्या है मेरे पास, लाइफ इवेंट्स। अगेन देखो बड़ी जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त यूज कर सकते हो इसका। लाइफ इवेंट्स में देखो आपके पास क्या ऑप्शन है, मतलब किसी की कब एनिवर्सरी है, या किसी का कब बर्थडे है, या किसी की कब नई जॉब लगी, या कब कोई नए रिलेशनशिप में एंटर हुआ, या ऐसे लोग जिनके फ्रेंड्स का बर्थडे है, राइट, तो ऐसे कर सकते हो। न्यूली एंगेज्ड लोग, रिसेंटली मूव्ड लोग, तो ऐसों को आप टारगेट कर सकते हो। तो एक बार दोबारा डिटेल से देखते हैं लाइफ इवेंट्स को। मैं लाइफ इवेंट्स में जैसे ही गया, आप देखो मैं डेमोग्राफिक्स में हूं, एजुकेशन हमने देख लिया, फाइनेंशियल हमने देख लिया, देन मैं जाता हूं लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स में पहला ऑप्शन है एनिवर्सरी, राइट। एनिवर्सरी में देखो दो ऑप्शन है, एनिवर्सरी विद इन 30 days और दूसरा है एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 days। अगर मैं ले लूं एनिवर्सरी विद इन 30 days, तो मैं ऐसे लोगों को ऐड दिखा सकता हूं जिनकी नेक्स्ट 30 days में एनिवर्सरी है,
या मैं ले लूं एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 days, तो ऐसे लोगों को ऐड दिखा सकता हूं जिनकी एनिवर्सरी है 31 to 60 days के बीच। अब ये देखो बहुत ही यूजफुल है अगर आप चलाते हो रेस्टोरेंट, अगर आप रेस्टोरेंट चला सकते हो चलाते हो तो आप सिंपल एक ऑफर चला सकते हो कि भैया आई सी योर एनिवर्सरी इज कमिंग एंड जस्ट फॉर यू वी हैव अ स्पेशल ऑफर, कोई कूपन वूपन देके आप लोगों को अपने तक ला सकते हो, ठीक है। सेम आप अगर आपका गिफ्ट है, गिफ्ट शॉप वगैरह है तो आप दिखा सकते हो, तो एनिवर्सरी विद इन 30 days लो और जेंडर में ले लो मेल, राइट। अब इन्हें आप एड दिखाओ कि भैया हियर आर सम गिफ्टिंग ऑप्शंस फॉर योर एनिवर्सरी, कि आप एनिवर्सरी में अपने बेटर आपको क्या गिफ्ट कर सकते हो, ऐसी सब चीजें आप ऑफर सोच के एड दिखा सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगला ऑप्शन देखो क्या है, अवे फ्रॉम फैमिली, ऐसे लोग जो अपने फैमिली से दूर है, अब इन्हें क्या एड दिखा सकते हो, बहुत आसान। सपोज करो जितनी डेली नीड्स की चीजें हैं, से आप मेड्स प्रोवाइड कराते हो, आपकी सर्विस है क्या, आप मेड सर्विस मेड्स प्रोवाइड कराते हो, तो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। सपोज आप होम डिलीवरी देते हो खाने की, तो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। सपोज आप क्लीनिंग सर्विस देते हो तो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो, राइट। तो आप ये कर सकते हो, अगेन अवे फ्रॉम होम टाउन, जो होम टाउन से दूर है, अगेन इन्हें आप क्या ऐड दिखा सकते हो, रेंट का ऐड दिखा सकते हो, और क्लीनिंग वगैरह जो हमने पहले बात की वो सारी ऐड आप इन्हें भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो क्या है, डेट ऑफ बर्थ। अब देखो डेट ऑफ बर्थ बड़े कमाल की चीज है, इसके अंदर क्या है, मंथ ऑफ बर्थ। मंथ ऑफ बर्थ क्या है, बर्थडे इन अप्रैल। अगर मैं बर्थडे इन अप्रैल लूं तो मैं उन लोगों को ऐड दिखा सकता हूं जिनका बर्थडे कब है, जिनका बर्थडे है अप्रैल के अंदर। अगर मैं लूं बर्थडे इन अगस्त तो मैं उन लोगों को ऐड दिखा सकता हूं जिनका बर्थडे है अगस्त के अंदर। अगर मैं लूं बर्थडे इन दिसंबर तो मैं उन लोगों को ऐड दिखा सकता हूं जिनका बर्थडे है दिसंबर में, एंड सो ऑन, राइट। इसका बहुत ही जबरदस्त यूज है, अगेन किस चीज के लिए, अगेन आप अगर रेस्टोरेंट हो, अगेन गिफ्ट का है, तो आप इन सारी चीजों को टारगेट करके इन लोगों को ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। सपोज आपका रेस्टोरेंट है और अभी क्या चल रहा है, सितंबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज है 6 सितंबर, तो सपोज करो मैं ऐड दिखाना चाहता हूं ऐसे लोगों का जिनका सितंबर में बर्थडे है या अक्टूबर में बर्थडे है, राइट। सपोज किसी का बर्थडे अक्टूबर में, तो मैंने उनको ऐड दिखाई कि आई सी योर स्पेशल योर बर्थडे इज कमिंग, लेट्स मेक दिस बर्थडे स्पेशल डे फॉर यू, हियर इज अ स्पेशल कोड फॉर यू विच यू कैन यूज टू अवेल अ 20% डिस्काउंट ऑन योर बर्थडे, राइट। तो बर्थडे पे दिन अपने दोस्तों को पार्टी वार्टी देगा तो उस पर आप उससे स्पेशल डिस्काउंट दे दो, राइट। तो ऐसा बहुत ही जबरदस्त यूज कर सकते हो आप इसका। अगेन इसमें एक ऑप्शन है अपकमिंग बर्थडे, मतलब ऐसे लोग जिनका अगले वीक के अंदर बर्थडे है उनको आप ऐड दिखा सकते हो, अगेन सेम वैसे ही ऑफर आप इनको भी दे सकते हो, राइट। उसके बाद देखो क्या ऑप्शन है, फ्रेंड्स ऑफ, ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स ऑफ मेन विद अ बर्थडे इन 0 to 7 days, मतलब ऐसे लोगों के क्लोज फ्रेंड जिनका बर्थडे 0 to 7 days में आ रहा है, अब इनको बताओ बताओ क्या ऐड दिखा सकते हो इनको, गिफ्टिंग आइडियाज, राइट, कि भैया बर्थडे ऑफ योर स्पेशल फ्रेंड इज कमिंग, सो हियर आर सम स्पेशल गिफ्ट आइडियाज फॉर यू, है ना, और जस्ट फॉर यू वी हैव अ स्पेशल कूपन इन केस अगर आप कूपन देना चाहते हो। अगेन अगर आपके पास गिफ्टिंग का है कुछ, अगेन रेस्टोरेंट हो तो आपके लिए जबरदस्त चीज है, बर्थडे केक्स इन सब चीजों में हो अगर आप, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो और इन्हें ऐड दिखा सकते हो। अगेन फ्रेंड्स ऑफ न्यूली एंगेज्ड पीपल, सेम चीज, फ्रेंड्स ऑफ न्यूली वेड्स, सेम चीज, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु रिसेंटली मूव्ड, इनको बारे में अगेन वही क्लीनिंग व्लीनिंग वाला आप इन्हें भी दिखा सकते हो। अगेन देखो क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, राइट, फ्रेंड्स ऑफ, ऐसे लोगों के दोस्त जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ऐसे लोगों के दोस्त जिनकी नई जॉब लगी है या न्यू रिलेशनशिप है, इसको फ्रेंड्स को हटाते हैं, राइट, ऐसे लोग जिनकी नई जॉब लगी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऐसे लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, न्यू जॉब, जिनकी नई जॉब लगी है। अब देखो जिनकी नई जॉब लगी है उसको क्या ऐड दिखा सकते हो, अगेन बड़ी सारी ऐड दिखा सकते हो, क्रेडिट कार्ड की ऐड दिखा सकते हो, इंश्योरेंस की ऐड दिखा सकते हो, लोन की ऐड दिखा सकते हो, न्यू रिलेशनशिप्स, अगेन जो लोग नए नई रिलेशनशिप में, अगेन गिफ्टिंग आइडियाज के दिखा सकते हो, न्यूली एंगेज्ड, ऐसे लोग जो न्यूली एंगेज्ड हुए हैं आप इनको क्या दिखा सकते हो, ट्रेवल की एड्स दिखा सकते हो, गिफ्ट की एड्स दिखा सकते हो, है ना, न्यूली एंगेज 3 months, अगेन सेम टाइप की एड्स दिखा सकते हो, न्यूली एंगेज 6 months, न्यूली वेड 1 year, अगेन गिफ्टिंग आइडियाज, ट्रेवल के ऑप्शन, ये सारी चीजें दिखा सकते हो, रिसेंटली मूव्ड, जो अभी रिसेंटली मूव हुए हैं, अगेन रेंट की एड दिखा सकते हो, क्लीनिंग वगैरह की एड आप इन्हें दिखा सकते हो, ठीक।
अगली चीज क्या है, पेरेंट्स, है ना। पेरेंट्स में जाओ, ऑल पेरेंट्स मतलब न्यू पेरेंट्स। अब इसमें ऑप्शन क्या रहा, न्यू पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स जिनकी अभी जो किड है वो है 0 to 12 months। क्या ऐड दिखा सकते हो, बेबी प्रोडक्ट्स की ऐड दिखा सकते हो, किड केयर की ऐड दिखा सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें एड्स इनको दिखा सकते हो। पेरेंट्स ऑल, ऐसे लोग जो भी पेरेंट्स हैं इन्हें क्या, इंश्योरेंस की ऐड दिखा सकते हो। पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन 18 से 26 साल, तो आप बाहर पढ़ाई वगैरह की ऐड दिखा सकते हो, स्कूल हो उसकी ऐड, मतलब यूनिवर्सिटी है कोई जैसे आप एमिटी टाइप की, वो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो, देयर इज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी फॉर योर किड, ऐसे करके। पेरेंट्स विद प्री स्कूल और जिनके 3 से 5 साल के बच्चे हैं, तो अगेन बच्चों से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं आप इन सब की ऐड दिखा सकते हो। अगर आपके पास जो बच्चों का स्कूल होता है, छोटे बच्चों का वो स्कूल है आपके पास, उसकी ऐड दिखा सकते हो। इंश्योरेंस की ऐड दिखा सकते हो, राइट। मल्टीपल चीजें हैं जो आप सोच सकते हो जिनकी ऐड आप इन लोगों को दिखा सकते हो। पेरेंट्स विद टीनेजर, पेरेंट्स विद प्राइमरी स्कूल, अगेन सेम चीजें, आप सारी एड्स इन्हें दिखा सकते हो। अगेन अगली चीज आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, देखो सिविल पार्टनरशिप है, कॉम्प्लिकेटेड है, डेवोर्स्ड है ना, डोमेस्टिक पार्टनरशिप है, एंगेज्ड इन अ रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड, सिंगल है, विडोड है। तो अब आप सोच सकते हो कि आप इनके लिए क्या क्या सोच सकते हो, कि क्या इनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं जो आप दिखा सकते हो। अगेन एंगेज्ड का तो जैसे हमने बात की थी, गिफ्टिंग हो सकता है, ट्रेवल हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैरिड है, अगेन इंश्योरेंस, ट्रेवलिंग, ये सारी चीजें हैं जो आप दिखा सकते हो। ओपन रिलेशनशिप, राइट, ओपन रिलेशनशिप है, सिंगल है, तो इन्हें आप, अगर आपकी डेटिंग वगैरह की कोई साइट है तो उसकी ऐड आप इन्हें दिखा सकते हो, है ना, सिंगल जो है और उन्हें अपनी साइट पे लाके उनसे एनरोल करवा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास रिलेशनशिप्स के अंदर, राइट। देन आपके पास है वर्क। वर्क इज वो काम का, देखो वर्क में आपके पास क्या है, 3 ऑप्शन आए हैं। पहला ऑप्शन क्या था, इम्प्लॉयर, मतलब वो काम कहाँ करते हैं। तो सपोज मैं ऐसे लोग को ऐड दिखाता हूँ जो एक्सेंचर में काम करते हैं, तो मैंने एक्सेंचर सेलेक्ट कर लिया। अभी ऐड किन लोगों को दिखेगी, वो लोग जो एक्सेंचर में काम करते हैं। तो अगेन आप इन लोगों के लिए कुछ अच्छे ऑफर सोच सकते हो। अगेन से आप रेस्टोरेंट है आपका, तो आप दिखा सकते हो, जस्ट फॉर पीपल वर्किंग इन एक्सेंचर हियर इज अ 20% कूपन, जस्ट शो योर आईडी कार्ड एंड गेट 20% डिस्काउंट ऑन आर स्टोर, राइट। कुछ ऐसे करके आप ऐड दिखा सकते हो। तो ये तो बात हो गई एक्सेंचर की। ऐसे ही आप किसी भी कंपनी को दिखा सकते हो, राइट। तो जो भी उस कंपनी में काम करता होगा आप उसका नाम दो यहाँ पे, और उसके जो भी इंप्लॉयज हैं आपको उनकी ऐड दिख जाएगी। अगेन पॉसिबल है कि बड़ी सारी कंपनीज आपको यहाँ नजर नहीं आएंगी, उस केस में आप कुछ कर नहीं सकते, राइट। ये फेसबुक के ऊपर है कि वो किन कंपनीज को यहाँ दिखाता है, किन को नहीं दिखाता। तो अगर कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है, देन यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। अब आगे चलते हैं, आगे इंडस्ट्री, कि वो लोग किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करते हैं, इंजीनियरिंग में काम करते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस में काम करते हैं, लाइब्रेरी में काम करते हैं, फूड एंड रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो आप एक कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हो, और आप सपोज करो मैं फूड एंड रेस्टोरेंट सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरी एड उन लोगों को दिखेगी जो फूड एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है। तो आप ये काम भी कर सकते हो इंडस्ट्रीज का। देन है जॉब टाइटल, आप बाई जॉब टाइटल भी ऐड दिखा सकते हो। सपोज करो आप इन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो कि अकाउंटेंट है, तो सिंपल यहां जाओ और टाइप करो अकाउंटेंट, आ गया, टैक्स अकाउंटेंट, फंड अकाउंटेंट, तो आप इन लोगों को ऐड दिखा सकते हो। तो आप बाय जॉब टाइटल भी ऐड दिखा सकते हो, तो जिसे भी आप ऐड दिखाना चाहते हो उसका जॉब टाइटल यहां डालो और आप उसे ऐड दिखा दो अगेन, ठीक है जी। तो अब इसमें 3 चीजें थी हमारे पास। सबसे पहला था डेमोग्राफिक्स, जिनके हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो अब आप देखना एक बार कि जो भी डेमोग्राफिक्स में चीजें हैं आप उसको अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हो। देन है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे स्क्रैच से। अगली चीज हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर, राइट। अगेन आप बिहेवियर में जाओगे तो देखो आपको बड़ी सारी चीजें दिखेंगी, राइट। क्या दिख रही है, सबसे पहले एनिवर्सरी, ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी है विद इन 60 डेज, 61 to 90 डेज, तो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। एनिवर्सरी के बाद दिख रहा है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। अब देखो इसमें कंट्री वाइज कंज्यूमर्स को क्लासिफाई किया गया है, राइट। अगर आप इंडिया में आओगे तो देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, इंडिया में ऐसे लोग जिन्हें हाई वैल्यू गुड्स पसंद है। दूसरा, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जो बहुत ही ज्यादा महंगा है तो आप टारगेट कर सकते हो पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। अगेन
इसको आपको एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, मैंने इसे पास्ट में टेस्ट किया हुआ है एंड रिजल्ट्स वर नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। तो आप एक बार अपने लिए टेस्ट कर लेना, मे बी जो आपका बिजनेस हो उसके लिए अच्छे रिजल्ट ये प्रोड्यूस करे, राइट। तो कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के बाद देखोगे तो डिजिटल एक्टिविटीज है ना, डिजिटल एक्टिविटीज में क्या है देखो, सबसे पहले कैनवस गेमिंग, किसने कैनवस गेम्स खेली हैं लास्ट 14 डेज में, 3 डेज में, 7 डेज में। तो अगर आप कुछ गेमिंग से रिलेटेड कर रहे हो और आप गेमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप इनको एड दिखा सकते हो, राइट। देन कंसोल गेमर, जिसने भी कंसोल गेम खेला है आप उसको एड दिखा सकते हो। अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर, जो नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करते हैं आप उन्हें वो कर सकते हो। देन फेसबुक पेमेंट यूजर्स, जिस जिसने फेसबुक पेमेंट यूज की है इन द पास्ट 30 डेज 90 डेज आप उसे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका डिजिटल एक्टिविटीज में। देन है आपका एक्सपैट्स, राइट, पीपल ऑफ दोज हु लिव अब्रोड। तो सपोज करो आप इंडिया में ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो अब्रॉड रहते हैं, मतलब आप ऐसे लोगों की फैमिली को टारगेट करना चाहते हो जो अब्रॉड रहते हैं, तो आप यहां से उन्हें टारगेट कर सकते हो। अब अगेन आपको सोचना पड़ेगा क्या क्या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ये सूटेबल है कि नहीं, बट अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। सिमिलरली आगे और भी हैं, लिव्ड इन अल्जीरिया, ऐसे लोग जो पहले अल्जीरिया में रहे थे, लिव्ड इन ऑस्ट्रिया, ऐसे लोग जो पहले ऑस्ट्रिया में रहे थे, तो बड़े सारे ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख सकते हो। लिव्ड इन फ्रांस, जो पहले फ्रांस में रहे हैं, तो आप इन्हें भी टारगेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट के लिए सेंस बनता है। अगला है मोबाइल डिवाइस यूजर्स, कि कौन सा लोग मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है, ऑल मोबाइल डिवाइसेस बाय ब्रांड, है ना, तो इसमें सारे डिवाइसेस हैं, जैसे आ गया ब्लैकबेरी, जैसे आ गया देखो जियोनी, एलजी के ब्रांड्स हैं, एल्कटेल है, माइक्रोमैक्स है। सपोज आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो ओप्पो यूज करते हैं, तो आप ओप्पो सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये कहां सेंस बनता है, तो सपोज करो आप किसी ओप्पो के फोन का स्क्रीन गार्ड बेच रहे हो, या स्क्रीन क्या कहते हैं प्रोटेक्टर बेच रहे हो, या फिर उसका फोन का कवर बेच रहे हो, तो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो और इन्हें एड दिखा सकते हो। सिमिलरली नीचे और कंपनीज है, देखो सैमसंग है, तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 2, तो सपोज आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जिनके पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 है, तो आप यहां से सेलेक्ट करके उसे भी ऐड दिखा सकते हो। सोनी, तो ऐसे आप सोनी, मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं जो भी यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, आप उसमें से रेलेवेंट अपना सेलेक्ट कर सकते हो। देन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सपोज करो आप ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हो, इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, जिसने फेसबुक एक्सेस किया है एंड्रॉइड से, तो आप उसे ऐड दिखा सकते हो। सपोज आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो कि एक्सेस करता है विंडोज फोन में, तो आप उसे भी ऐड दिखा सकते हो, राइट। तो बड़े सारे ऑप्शन है जो कि आप चूज कर सकते हो। ऊपर से देखो क्या नेटवर्क कनेक्शन, जो फेसबुक एक्सेस करते हैं 2G 3G, अब आप देखो क्या आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो यू कैन इग्नोर इट, अगर आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है तो आप इसे यूज कर सकते हो, राइट। अगला क्या है देखो, मोबाइल डिवाइस यूजर, या कितनी बार वो यूज करता है, तो यूजेस अ मोबाइल डिवाइस 1 to 3 months, यूजेस अ मोबाइल डिवाइस 25 months प्लस, राइट। तो अगर देखो अगर आपके लिए ये सेंस बनता है तो आप इसे टारगेट कर सकते हो, राइट। अगर आपके लिए सेंस नहीं बनता देन यू कैन इग्नोर इट। इसी में आप नीचे आओगे तो देखो और ऑप्शन है, थोड़ा नीचे आते हैं, ट्रेवल, देखो ये बड़े काम की चीज है। इसी में जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है ना ट्रेवल वाला, वो बहुत ही जबरदस्त चीज है। ट्रेवल में देखो ऑप्शन क्या है, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, मतलब वो लोग जो इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं। अब आप इन्हें क्या बेच सकते हो, तो देखो जो इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के लिए सिम कार्ड्स होती हैं, जैसे मैट्रिक्स वगैरह की, इसे मैंने एक बार यूज किया था एक क्लाइंट के लिए, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट आया था इससे, राइट। तो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं तो आप उनको टारगेट कर सकते हो, या जस्ट फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स, नॉट इंटरनेशनल ट्रेवलर्स बट फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। अगला है कम्यूटर्स, मतलब जो घर से ऑफिस जाते हैं डेली, है ना, तो जैसे कंपनीज है ना जो बस की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो इन कम्यूटर्स को टारगेट कर सकती हैं। अगला क्या, रिटर्न्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग 1 week ago, कि जो एक हफ्ते पहले घूम के कहीं से आए हैं उन्हें टारगेट करना हो, या जो 2 हफ्ते पहले घूम के आए हैं उन्हें टारगेट करना हो, तो आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। इसमें जो बेस्ट हैं 2, वो है एक तो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स और कम्यूटर्स, ये दोनों बड़े काम के। अब इसमें एक ऑप्शन है देखो सॉकर्स, कि जो फुटबॉल फैंस हैं, है ना, जो इसमें भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो फुटबॉल फैंस हैं
कंटेंट के साथ जो बहुत ज्यादा एंगेज करते हैं, तो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। नहीं तो जो फुटबॉल फैंस हैं जो मॉडरेट कंटेंट एंगेजमेंट करते हैं, मतलब फुटबॉल फैंस तो हैं बड़े, वो डाई हार्ड वाले फैन नहीं है, तो आप उन्हें ऐड दिखाना चाहते हो तो आप उन्हें ऐड दिखा सकते हो। लास्ट है फ्रेंड्स ऑफ फुटबॉल फैंस, ऐसे लोग, ऐसे जो फुटबॉल फैंस हैं उनके फ्रेंड्स को ऐड दिखाना चाहते हो तो उन्हें भी दिखा सकते हो। देन ये रमादान मंथ है ना, तो रमादान मंथ, जो रमादान मंथ से रिलेटेड कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं, आप उनके साथ उनको ऐड दिखाना चाहते हो तो इन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसी में क्या है, रमादान मंथ से रिलेटेड जो मीडियम कंटेंट एंगेजमेंट है उसको भी ऐड दिखा सकते हो, या ऐसे लोग जो इनके फ्रेंड हो आप उन्हें भी ऐड दिखा सकते हो। परचेज बिहेवियर है देखो, एंगेज्ड शॉपर्स, एंगेज्ड शॉपर्स ये बड़े काम की चीज है। तो सपोज आपका ई कॉमर्स है तो आप यहाँ क्या सेलेक्ट कर सकते हो, बिहेवियर में जाके शॉपिंग बिहेवियर में, परचेज बिहेवियर में एंगेज्ड शॉपर्स। एंगेज्ड शॉपर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने, जो शॉप नाउ का बटन होता है ना, जो एड देखते हो आप नीचे लिखा होता है शॉप नाउ, तो जो शॉप नाउ के बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसे फेसबुक कहता है एंगेज्ड शॉपर्स। तो अगर आप उनको एड दिखाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स एड रन करो तो आप इससे अपने ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकते हो, सीखोगे आप आगे कि कैसे नैरो डाउन किया जा सकता है। देन इसमें आपके पास ऑप्शन है पॉलिटिक्स, अगेन ये यूएस से रिलेटेड है कि किस पार्टी में आपका इंटरेस्ट है, राइट? तो आप, दिस इज जस्ट फॉर यूएस, तो इसे आप छोड़ सकते हो। मल्टीकल्चरल एफिनिटी, अगेन अफ्रीकन अमेरिकन हैं कि लोग वो जो यूएस में रह रहे हैं बट वो हैं अफ्रीकन, है ना, तो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। सेम है एशियन अमेरिकन की, लोग जो यूएस में रह रहे हैं बट वो हैं कहाँ के, एशिया के हैं, राइट? तो आप इन्हें भी ऐड दिखाना चाहते हो तो यहां से ऐड दिखा सकते हो। ठीक, तो यहां पे आपने आज की लेसन में दो चीजें देखी, पहला है डेमोग्राफिक्स और दूसरा है बिहेवियर। आपने देखा कि दोनों में बड़े सारे ऑप्शंस फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए रेलेवेंट है और क्या वो ऑप्शन को आप अपने टारगेटिंग में यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। और तो आप एक बार इसको गो थ्रू करना, सारे ऑप्शन जो आज हमने देखे हैं, और आप जो जो ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं आप उनको एक अलग एक्सेल फाइल में नोट करना, राइट? ताकि कल हम जब ऑडियंस रिसर्च करेंगे तो ये ऑडियंसेस भी हम वहीं रख सकें। ठीक है, तो आज आपने दो चीजें देखी, पहला डेमोग्राफिक्स देन बिहेवियर, और दोनों के अंदर जितने ऑप्शंस थे हमने वो सारे ऑप्शन देखे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।